तो हेलो गाइज, अब आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले कंट्रोल कार्ड कंट्रोल ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा आपको डोमेस्टिक यूजेस। यहाँ पे एक डोमेस्टिक यूजेज है और यहाँ पे एक है जो दूसरा इंटरनेशनल यूजेज। तो मेरा इंटरनेशनल यूजेज साले बंद है क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो केवल मैं डोमेस्टिक यूजेज को ही मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये एटीएम विड्रॉल दिखा रहा है, लिमिट इसमें मेरा 5,000 है। तो इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए मैं यदि आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ, इसको मैं 10,000 कर देता हूँ। 10,000 पे करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको नीचे यहाँ पे 10,000 मेरा हो गया। अब यदि मैं अपना ऑनलाइन स्पेंड को चेंज करना चाहूँ तो इसमें मुझे चेंज पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से मैं अगर इसको 30,000 कर देता हूँ, 30,000 करने के बाद मर्चेंट आउटलेट 40,000 रहने देता हूँ, टैप टू 20,000 ए भी रहने देता हूँ। इसके बाद सिंपली हमको इस पे अपडेट पे क्लिक कर देना। अपडेट पे क्लिक करने के बाद तो गाइस अब मेरा जो है इसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है यू हैव सक्सेसफुली मॉडिफाइड कार्ड कंट्रोल सेटिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग। तो मेरा कार्ड कंट्रोल अब सक्सेसफुली हो चुका है, मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यदि आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है पहले 5,000 था, अब 10,000 यहाँ पे दिखा रहा है, और जो पहले 40 था अब यहाँ पे अब 30,000 दिखा रहा है। तो गाइस इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड के कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपकी आपको यदि कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।